औरत के चक्कर में बर्बाद हो गया इस खतरनाक ओपनर का करियर, नहीं तो आज वनडे में जड़ देता तिहरा शतक। भारत में क्रिकेट को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इसी वजह से ज्यादातर लोग क्रिकेट की दुनिया में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं और कई खिलाड़ी तो अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर ऐसा कर भी जाते हैं। हालांकि कई बार अपनी किसी गलती के चक्कर में अपना पूरा करियर खराब कर बैठते हैं। आज के इस लेख में हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक मारने का सपना देखता था, लेकिन औरत के चक्कर में उस खिलाड़ी ने अपना करियर बर्बाद कर लिया। औरत के चक्कर में बर्बाद हो गया शिखर धवन का करियर। भारतीय टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन अपने घातक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन शिखर धवन को अब टीम इंडिया में मौका मिलना बंद हो गया है। दरअसल शिखर धवन की पत्नी और इनके बीच चल रहे झगड़े की वजह से इनके प्रोफेशनल लाइफ पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके बाद से शिखर धवन का प्रदर्शन खराब होता चला गया और इसी वजह से उनको मौका मिलना भी बंद हो गया। बता दें कि शिखर धवन और उनकी पत्नी के बीच अभी भी उनके बच्चे को लेकर लड़ाई चल रही है, जिसके वजह से आए दिन शिखर धवन परेशान होते रहते हैं और कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं। अपनी पत्नी के साथ चल रहे विवाद के चक्कर में शिखर धवन का क्रिकेट करियर काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और ये बात क्रिकेट पंडित भी मानते हैं। वनडे में जड़ना चाहते थे तिहरा शतक। शिखर धवन एक टैलेंटेड खिलाड़ी माने जाते हैं और उन्होंने अपने करियर में भारतीय टीम के लिए कई बेहतरीन पारियां खेली हैं। कई बार शिखर धवन ने अपने खुद के दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई है। बता दें कि एक बार एक इंटरव्यू के दौरान शिखर धवन ने बताया था कि उनका सपना है कि वनडे फॉर्मेट में वो तिहरा शतक जड़े, लेकिन अफसोस शिखर धवन अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाए और अब टीम इंडिया का दरवाजा उनके लिए पूरी तरह से बंद हो गया है।